कैन आई गेट दिस? ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बाकी जो हमारे रीजन के कंट्रीज हैं उनके लिए है तो पैकेज. पैकेज चार्जर पाकिस्तान. पाकिस्तान पैकेज डिटेल प्राइस. प्राइस 28 दिन के लिए अगर आपको रुकना है तो 20 GB 104 रियाल में. सब तो चंगा हुई है इसमें ला करो. असर की नमाज का वक्त होते ही बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ का रुख करते हैं और हर तरफ जिधर आप नज़र दौड़ाएं आपको बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन या हाजी यहाँ पे नज़र आएंगे. हर तरफ सबकी कोशिश रहती है कि वो जमात के साथ एक तो नमाज़ अदा कर सकें और फिर तवाफ़ या उम्रा भी अदा कर सकें. यहाँ सबसे बड़ा मसला रास्तों की बंदिश की वजह से देखने में आता है. आप सामने देख सकते हैं इतने लोग आगे आना चाहते हैं लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से नहीं आ पा रहे. तो रास्ते तलाश करना और तवाफ़ के लिए हरम में पहुंचना ये सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे रहता है. कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे. सबको इंतज़ार है रास्तों के खुलने का. ओके जी, तो मुझे इस वक्त तलाश है मोबाइल नेटवर्क की और डाटा कनेक्शन की, यानी इंटरनेट सर्विस, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करनी है. तो बताया गया है मुझे कि इस बिल्डिंग के उस पार जो है वो आपको सिम वगैरह मिल जाएगी. मुख्तलिफ़ कंपनियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप आसानी से पैकेजेस ले सकते हैं, इंटरनेट पैकेज या कॉल पैकेज. तो चलते हैं उस तरफ और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से इंटरनेट प्रोवाइडर्स या मोबाइल कंपनीज़ अपनी सर्विसेज यहाँ हरम के आसपास दे रही हैं. वैसे तो मुझे एयरपोर्ट पर लैंड करते ही वहाँ पर सिम वगैरह मिल रही थी. वो उनके लोग वहाँ पर होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के, वो आपको फ्री में सिम दे रहे होते हैं, बाद में आपको रिचार्ज करके इंटरनेट सर्विसेज लेना होती हैं. लेकिन वो जिस कंपनी की मिल रही थी वो मैं लेना नहीं चाह रहा था. बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये सर्विस बेहतर नहीं है. तो मोबाइल ही नेटवर्क ज़्यादातर लोग यहाँ पे बताते हैं कि वो अच्छा चलता है, जिसका डाटा जो है वो ज़्यादा बेहतर है, इंटरनेट सर्विस उसकी बेहतर है. तो वो थोड़ा सा बाकी की निस्बत महंगा है लेकिन वो लेना चाहिए. तो हम भी उसी की तरफ ही जा रहे हैं, जाके वो लेते हैं, फिर फर्दर आपको अपडेट करता हूँ, बल्कि आपको पैकेजेस भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने रियाल में आपको इंटरनेट मिल सकता है. तो पाकिस्तानियों कदर करो, पाकिस्तान के इंटरनेट पैकेजेस की वो बहुत सस्ते हैं, यहाँ तो बहुत एक्सपेंसिव है. कुछ लोग तो हरम के सामने इन बड़े बड़े आलीशान होटल्स में रहते हैं और यहाँ से निकल के नमाज के वक्त हरम में चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल एक अलग सी दुनिया बसाई हुई है. जिनके पास होटल की फैसिलिटी नहीं है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल इस तरह अपना दिन रात गुजार लेते हैं. बस यहाँ पे लोग खाना पानी भी तकसीम कर देते हैं, तो यहाँ से कुछ लोग इस तरह से भी, सब की बात नहीं कर रहा लेकिन कुछ लोग इस तरह से भी अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं, अलग दुनिया बसा लेते हैं हर जगह पर, जहाँ जहाँ पे उन्हें मौका मिले. यहाँ पे हर तरफ आपको, उस तरफ भी अगर आप देखें तो होटल्स के पास फुटपाथ के ऊपर भी लोग इसी तरह से बैठे रहते हैं. यहाँ पर ये सारे उम्रा ज़ायरीन या हज करने के लिए आए हुए लोग, जिनको अभी तक रास्तों की सही तलाश नहीं कर सके अभी तक, या फिर होटल्स अकोमोडेशन अभी तक सही से नहीं मिल सकी, तो वो बिल्कुल यूँ हरम के सामने ही इंतज़ार कर लेते हैं और यहीं पर नमाज़ वगैरह भी पढ़ते हैं. बहुत सारे लोग यहीं पे इसी फर्श पे नमाज अदा कर लेते हैं. आप एक मिनट के लिए मंज़र ज़रा यहाँ पर देखें, ये तो कुछ भी नहीं है. जब मगरिब की अज़ान होगी और उस वक्त जो यहाँ पे रश नज़र आएगा, ये सारे लोग अपने अपने इन होटल से निकल के हरम की तरफ रवाना हो रहे हैं और ये कुछ भी रश नहीं है, ये भी कम है. और हरम के चारों तरफ इस वक्त ऐसा ही मंज़र है, आप जिस तरफ नज़र दौड़ा लेंगे हर तरफ ऐसे ही लोग आपको नज़र आएंगे जो हरम में एंटर होने की कोशिश में है. यहाँ से अंदर दाखला है, बहुत सारे रास्ते बंद हैं लेकिन मुख्तलिफ़ गेट्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है. कुछ हरम की अभी रीसेंट जो तौसी की गई है, इन गेट्स की तरफ भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा कुछ ही देर में. ये हमारे
पाकिस्तान के मुआवने हुजाज अल पाकिस्तान नज़र आए और ये लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। यहाँ पर ख़वातीन हैं जो रहनुमाई की कोशिश में हैं, मतलब रहनुमाई ले रही हैं, कोई रास्ता भूल गए हैं या वट एवर। और यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान के इधर जाएंगे नीचे, मुझे पता नहीं मैं कहीं, ये क्लॉक टावर है ना, क्लॉक टावर, हाँ जी, ये बड़ी जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर वहाँ जाएंगे, उसके बेसमेंट में आपका स्टाफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास शब्बीर। वकास भाई, कैसी आपकी ड्यूटी जा रही है? थोड़ी टफ होगी इतने ज़्यादा लोगों को डील करना? अल्हम्दुलिल्लाह, ड्यूटी तो अच्छी जा रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के घर की ड्यूटी करना बाएस रहमत और बाएस फ़ख्र है, और मैं समझता हूँ जिन बंदों ने ड्यूटी की है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए इससे बड़ा सवाब कोई नहीं है। गुड है जी, इसी तरह हाजियों की खिदमत करें, अल्लाह अजर देगा इंशाल्लाह, खुश रहें। तो देखें, इतने सारे लोगों में अपने पाकिस्तानी भाई को तलाश करके, उससे बात करके कितना अच्छा लगा, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो मुझे मिल गए हैं, ये देखें एसटीसी, इसके आगे जैन है, और इसके साथ ही आगे कोई और भी हैं। यहाँ पर मोबाइल ही का है, यहाँ पर ज़्यादा रश है, एसटीसी पे ज़रा कम रश है, या जैन पे होगा या मोबाइली पे होगा। पैकेज चार्जर पाकिस्तान, पाकिस्तान पैकेज डिटेल, प्राइस प्राइस यू सेम मोबाइल मोबाइल ओके कम गिव मी मोबाइल इज पाकिस्तान। अगर आपको 15 GB इंटरनेट चाहिए तो आपको 58 रियाल देने पड़ेंगे, चूँकि हमारा पैकेज 28 दिन के लिए है। 28 दिन के लिए अगर आपको रुकना है तो 20 GB 104 रियाल में, सब तो चंगा हुई है इसमें ला करो, 25 GB 115 रियाल में। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि इसमें से कौन सा पैकेज अच्छा है, ये पाकिस्तान के लिए है। 104 रियाल आई गेस ये ठीक है, 104 रियाल में। अभी मैं आपको एसटीसी भी दिखा देता हूँ, ये एसटीसी है, कैन आई गेट दिस? तो ये एसटीसी कंपनी का है, अपने जज्बात का इजहार करें। और यहाँ पर 5 GB 35 रियाल में है, 15 GB 55 रियाल में है, 20 GB 70 रियाल में है, और 40 GB 100 रियाल में है। इसमें आप बैन अल-अक़वामी और मुकामी कॉल्स भी कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे और 5 घंटे तक, ये सारा कुछ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जैन का पैकेज। ये जैन आई थिंक मुझे किसी ने बताया था कि ये जो जोंग है वही जैन है, आई एम नॉट श्योर, बट इसका पैकेज चेक करते हैं। सो हेयर इज जैन पैकेजेस। अगर आपको ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बाकी जो हमारे रीजन के कंट्रीज़ हैं उनके लिए हैं, तो 25 GB का पैकेज आपको 150 रियाल में मिलेगा 4 हफ्तों के लिए। यानी अगर आपका 1 महीने का पैकेज है तो फिर आपको ये 150 सऊदी रियाल वाला लेना पड़ेगा, और अगर आपको कम GB चाहिए 15 GB तो फिर 85 रियाल में, और अगर 2 हफ्तों के पैकेजेस चाहिए तो उसके 60 और 35 रियाल है। तो ये पैकेजेस हैं यहाँ पर। मेरा ख्याल है जो सबसे बेस्ट है वो मोबाइली नेटवर्क है, और उसका 104 रियाल में है, तो 104 रियाल जो पाकिस्तानी है वो पैकेज 30 दिनों के लिए है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इकोनॉमिकल पैकेज के लिए अगर आपने इंटरनेट इतना यूज़ नहीं करना, बस गुजारा करना है, तो फिर जैन की सर्विस ठीक रहेगी आई गेस, फिर आपको जैन में आना चाहिए। और अगर आपको बेस्ट इंटरनेट सर्विस चाहिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा सकते हैं, तो फिर आपको मोबाइली नेटवर्क की तरफ जाना चाहिए। तो मैं भी मोबाइली इंटरनेट की तरफ ही जा रहा हूँ, और वही वाली सिम अभी लेता हूँ, और फिर ज़रा डाटा ऑन करके आप लोगों से भी रابطہ شابطہ करते हैं। पाकिस्तान 104 रियाल, 104 रियाल, गो गो द गाइस सोशल मीडिया, दिस यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कितने जीबी जीबी दिस व्हाट्सएप दिस गीगा दिस इंटरनेट व सोशल मीडिया दिस दिस
ए पाकिस्तान वो बता रहा वीडियो कॉल का पाकिस्तान बेस्ट पैकेज हाउ मच रियाल पैकेज टू पैकेज ओके सेम मोबाइल यू नो मोबाइल ही सेम मोबाइल यू ओके करते करते ये जैसी ये होती है बीती कम हुई है माफ है 50 हां करते क्या شحن شحن 104 ومو فاهم يحسبها 10 10 مقسمه هي فهمتني كم باكستان باكستان سم موبايل يس موبايل اون ذس اون ذس اون ذس اون ذس اون ذس 104 ريال ओके जी तो फाइनली मेरा इंटरनेट कनेक्शन हो गया डन और धड़ाधड़ मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं जो इतने घंटों से होल्ड पर थे अब मैंने इंटरनेट सर्विस ऑन कर ली है तो अब मैं इजीली आप लोगों से भी कनेक्ट कर सकता हूं तो ये व्लॉग भी अपलोड हो जाएगा अब तो इतने दिनों का जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह तो चलते हैं नमाज का वक्त हुआ जाता है नमाज़ अदा करके फिर बाकी बातें बाद में करते हैं